दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, ट्विटर जो ओवर स्मार्ट बन रहा था दोस्तों, सोशल मीडिया का जो नया कानून दोस्तों, आईटी नया कानून भारत सरकार लेके, जहाँ पे सारी की सारी सोशल मीडिया को भारत सरकार का कानून मानना पड़ेगा और यहाँ पे ग्रेवेंस ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट करने पड़ेंगे, जिससे अगर कुछ भी कंप्लेन होती, कुछ भी दोस्तों गलत कॉन्टेंट आता तो इनकी जिम्मेदारी बनेगी। इस चीज पे दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों सरकार का विरोध करने वाली कंपनी थी ट्विटर। ट्विटर दोस्तों कभी भी माना नहीं, लेकिन अब दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार लगी और फाइनली दोस्तों ट्विटर अपने घुटनों पर आ चुका और यहाँ पे कानून को मानेगा, ऐसा दोस्तों बड़ा दावा है। इसका मतलब ट्विटर दोस्तों आ चुका है लाइन पे। मुझे बताइए दोस्तों, ये वीडियो देखेंगे, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फैंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया वाला दोस्तों कानून था, आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया। सारी की सारी कंपनी दोस्तों यहाँ पे फेसबुक हो, गूगल हो, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, सभी को बोल दिया था कि आपको यहाँ पे एक सोशल मीडिया के लिए आपको ग्रेवेंस डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह का गलत कॉन्टेंट अगर आपके प्लेटफॉर्म पर आता तो उसे आपको फिल्टराइज करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपको उसकी पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन ऐसा दोस्तों सारी कंपनी पहले नहीं मान रही थी, जैसे तैसे करके दोस्तों सारी कंपनी आ गई, पहले व्हाट्सएप हाईकोर्ट गया, उसके बाद दोस्तों उसको लताड़ लगी, वो लाइन पे आ गया, वो मान गया कि हम प्राइवेसी पॉलिसी नहीं लेके आएंगे और आईटी कानून को मानेंगे। अब दोस्तों ट्विटर की बारी है। ट्विटर दोस्तों पहले से ही मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत दोस्तों यहां पे देश विरोधी जो ताकतें होती उस तरह के कंटेंट को, उस तरह के ट्वीट को भी हटाता नहीं था, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे दोस्तों इस तरह के कंटेंट को हटाता नहीं था। लेकिन अब दोस्तों यहां पे ट्विटर को फटकार लगी और ट्विटर को दोस्तों यहां पे कानून मानना पड़ेगा, ऐसा दोस्तों यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर लीजिए दोस्तों, वहां से एक चीज निकल के देखते हैं, ट्विटर हैज टू कंप्लाई विद द न्यू आईटी रूल्स फॉर डिजिटल मीडिया सेज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने दोस्तों में क्लियर कर दिया ट्विटर को मानना पड़ेगा जो नया कानून है दोस्तों भारत सरकार का, ट्विटर हैज टू कंप्लाई विद द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स डिजिटल मीडिया इफ दे हैव नॉट बेस्ट, अगर उन्होंने नहीं किया तो करना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया दोस्तों, यहां पे बताना पड़ेगा। जस्टिस रेखा पल्ली है दोस्तों, उन्होंने यहां पे इशू किया एक नोटिस और सेंटर को पूछा है कि यहां पे जो प्लेटफॉर्म है इसको ये सारा का सारा मानना पड़ेगा। और अमित आचार्य है दोस्तों यहां पे, जिन्होंने कंप्लायंस की थी, उन्होंने बताया था यहां पे कि ट्विटर जो है उसने अभी तक यहां पे ये कानून का पालन नहीं किया है दोस्तों। एक पिटीशन डाली गई थी दोस्तों यहां पे एडवोकेट आकाश वाजपेयी जो है और यहां पे मनीष कुमार जो है आचार्य, उन्होंने बताया यहां पे दैट द कम अबाउट द एलिग नॉन कंप्लायंस व्हेन द लॉज कंप्लेन, उन्होंने दोस्तों एक कंप्लेंट डाली थी यहां पे, क्योंकि 25 तारीख के बाद यहां पे सारी की सारी कंपनी को एक ग्रेवेंस ऑफिसर नियुक्त करना था, उन्होंने एक कंप्लेंट यहां पे डाली ट्विटर पे, लेकिन किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं है और उनको यह पता चला कि यहां पे ट्विटर ने अभी तक कोई भी ग्रेवेंस डिपार्टमेंट यहां पे बनाया नहीं है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और यहां पे क्लियर बताया कि ट्विटर ने अभी तक इस तरह का कानून जो है माना नहीं, लेकिन फाइनली दोस्तों ट्विटर को मानना पड़ेगा। ट्विटर जो है मान चुका है, ट्विटर ग्रेवेंस डिपार्टमेंट दोस्तों बना रहा, ऑफिसर यहां पे बना रहा, और उसके बाद दोस्तों ट्विटर को भारत के आईटी कानून को मानना पड़ेगा। ट्विटर फिलहाल बैन होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों उसकी हेकड़ी तो फिलहाल उतर चुकी। भारत में रहते हैं दोस्तों, यहां पे भारत के कानूनों को नहीं मानते हैं, ये कैसा दोस्तों, भारत में रहते हैं तो भारत का कानून मानना ही पड़ेगा इन सारी की सारी सोशल मीडिया कंपनीज को। ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा मुझे जो बताना फ्रेंड्स, और वीडियो को अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा थम्स अप जरूर देते, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली लगेगा। पहली बार हमारे चैनल में, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जोर दबा देना, इसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली की वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। इसके पास दिखेगा घंटी का बटन है, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले, तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जोर दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ।